हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। मनी क्रिएशन में हम पढ़ेंगे कि बैंक पैसे से पैसे कैसे बनाती है। थ्रू दिस प्रोसेस बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज इन फार एक्सेस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। इस प्रोसेस के थ्रू क्या करती है बैंक, जो होती है वो जो इनिशियल डिपॉजिट की मदद से बहुत ज़्यादा पैसा क्या करती है, क्रिएट कर लेती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मनी क्रिएशन। अब इसके कुछ एजम्पशन है। फर्स्ट है इसमें एंटायर कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट इज टर्म्ड एज बैंक। इट मीन्स कि जो जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो उनका जो सारा सिस्टम है वो क्या है, एक यूनिट है। मतलब एक ही यूनिट कहा जाएगा सारे, और उसको क्या बोलते हैं हम, बैंक। दूसरा एजम्पशन है इसमें ऑल द रिसीप्ट एंड पेमेंट आर रूटेड थ्रू बैंक। जितनी भी जो पेमेंट होगी वो रिसीप्ट एंड जो भी पेड की जाएंगी वो किससे होगी, बैंक के थ्रू होंगी, ना कि कैश के थ्रू। सारी एंट्री किस में होंगी, बैंक में ही होंगी, बैंक से ही पैसा जाएगा और बैंक में ही पैसा आएगा। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को इस टेबल से समझेंगे। पहला कॉलम है आपका डिपॉजिट का, दूसरा लोन्स का, एंड थर्ड है कैश रिजर्व। तो जितना भी पैसा जो भी हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो क्या वो बैंक अपने पास रख लेती है उस पैसे को, नहीं रखती है। उसका कुछ पार्ट वो क्या करती है, लोन्स के रूप में क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, तो सारा पैसा क्या वो लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है, नहीं करती है। तो अब इस टेबल में आप समझेंगे, जैसे कि इनिशियल डिपॉजिट हुआ 1000 रुपीज, किसी कस्टमर ने बैंक में कितने रुपीज जमा करवाए, 1000। क्या बैंक टोटल 1000 क्या कर लेगी, डिपॉजिट तो नहीं करेगी, लोन के रूप में देगी। तो लोन के रूप में वो कितना पैसा देगी और कितना वो अपने पास सेव करेगी, उसको हम जितना पैसा वो अपने पास सेव करेगी उसको हम बोलेंगे कैश रिजर्व, उसको बोलेंगे कैश रिजर्व। और जो कैश रिजर्व होता है वो कितना पैसा अपने पास सेव करेगी उसको कौन सेट करता है, हमारी सेंट्रल बैंक, इट मीन्स RBI। तो इस बार RBI ने इसका रेट जो है वो किया है आपका 20%। इसको हम बोलेंगे LRR, एट द रेट 20%। LRR का फुल फॉर्म है आपका लीगल रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये कौन सेट करता है, RBI अपनी। तो इस टेबल के अकॉर्डिंगली जो RBI ने जो रेशियो सेट किया है वो है 20% की। जो कॉमर्शियल बैंक है वो कितना परसेंट अपने पास रखेगी, ओनली 20%। तो इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास था बैंक के पास 1000 का 20% कितना हुआ, 200। कितना हुआ, 200। बचा कितना, 800। तो वो 800 को क्या करेगी, लोन्स के रूप में क्या करेगी, प्रोवाइड कर देगी। अब ये जो 800 है ये आया तो किसी के ना किसी के बैंक में ही आया होगा। जब आप लोन किसी को लोन भी देते हो तो एक बैंक से दूसरे बैंक को तो ट्रांसफर किया जाता है। तो फिर से ये जो पैसा आया वो कहाँ आ गया, बैंक में आ गया। फिर से ये पैसा कहाँ आया, बैंक में आ गया। तो सेकंड राउंड में हमने फिर से हमारे उसमें कितना हो गया, 800 डिपॉजिट हो गया। अब 800 का 20% कितना हुआ, 160। बैलेंस कितना बचा, 640। तो 640 को वो किसके रूप में दे देगी, फिर से लोन के रूप में प्रोवाइड कर देगी। तो ऐसे ही ये सिस्टम पूरा क्या है, चलता रहेगा। फिर से ये पैसा बैंक में आएगा और इसका 20% वो अपने पास रखेगी और जो बचेगा उसको लोन्स के रूप में प्रोवाइड कर देगी। तो ये टेबल आपकी ऐसे ही, जब तक कि ये क्या हो जाएगी, टेबल वहाँ पर कंप्लीट होगी जब ये इनिशियल डिपॉजिट और जो कैश रिजर्व का जो टोटल होगा वो इक्वल हो जाएगा, तब तक ये टेबल आपकी बनती रहेगी। जहाँ पर ये एंड यहाँ पर होगा, जहाँ पर इनिशियल डिपॉजिट और कैश रिजर्व का जो टोटल होता है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपनी टेबल को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। समझ में आया। तो 1000 से बैंक ने कितना पैसा कमा लिया, 5000। टोटल डिपॉजिट कितना हो गया उसके पास, टोटल डिपॉजिट हुआ उसके पास 5000। 1000 इनिशियल डिपॉजिट था, उसका बैंक ने कितना बना दिया, 5000 बना दिया। मतलब बहुत ज़्यादा मनी उसने क्रिएट कर ली। और कितना उसने लोन के रूप में दे दिया, 4000। ये उसने लोन के रूप में दे दिया। और ये जो उसने जो अपने पास सेफ रखा वो कितना था, कैश रिजर्व, टोटल कैश रिजर्व उसने अपने पास कितना सेफ रखा, 1000। इसको हम बोलेंगे टोटल कैश रिजर्व। ठीक है, ये 1000 हमारा टोटल कैश रिजर्व। इतना आपको समझ में। अब इस टेबल से कुछ पॉइंट सामने आए जिसको हम पढ़ेंगे। टोटल
डिपॉजिट बिकम 5 times ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। जो हमारा टोटल डिपॉजिट था वो क्या बन गया, 5 times इनिशियल डिपॉजिट का। इनिशियल डिपॉजिट का 5 गुना बन गया, नहीं बन गया, 1000 का 5000 कितना हो, 5 गुना ही तो हुआ, तो उसका कितना बन गया वो 5 times। इट इज 5 times इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अब ये जो 5 times आया वो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी जो वैल्यू को हम बोलेंगे मनी मल्टीप्लायर। अब क्या है कि मनी मल्टीप्लायर क्या है, मनी मल्टीप्लायर तो मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन है क्या डेफिनेशन में मनी मल्टीप्लायर। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। मतलब इनिशियल डिपॉजिट से जो बैंक है वो कितना गुना पैसा क्रिएट करती है विद द हेल्प ऑफ रिजर्व, उसको हम क्या बोलेंगे मनी मल्टीप्लायर। ओके, क्लियर हुआ। अब इसको आज मैंने आपको मनी क्रिएशन, इट मींस पैसे से बैंक कैसे पैसा बनाती है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, और मनी मल्टीप्लायर को समझने के लिए आपको ये टेबल मैंने आपके सामने बनाई है, और इस टेबल से निकलने वाले कुछ पॉइंट भी मैंने आपके सामने क्लियर किए। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, इनिशियल डिपॉजिट ये था आपका, LRR जो था आपका वो क्या था, लीगल रिजर्व रेशो, लीगल रिजर्व रेशो या फिर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये कौन सेट करता है, मैंने आपको बताया RBI। अगर सपोज दैट यहाँ पर LRR आपका RBI ने 20 की जगह पे 10% कर देती, 20 की जगह पे 10% कर देती, तो हमारा मनी मल्टीप्लायर कितना होता, मनी मल्टीप्लायर इक्वल 1/LRR। ये क्या है, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर निकालना है हमने, तो 1/ रिजर्व बैंक ने कितना सेट किया है, 10%, कितना किया है 10%, तो ये कितना हो जाता 10 times, और अगर हम 1000 को 10 times से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ कितना आ जाता, 10,000 आ जाता आपका, यहाँ पर कितना आ जाता 10,000, और यहाँ पर 9000 वो लोन के रूप में प्रोवाइड कर देती। अब 10,000 का 10% कितना हुआ 1000, तो 1000 वो अपने पास कितना रखती, कैश रिजर्व। समझ में आ रही टेबल, तो यहाँ पर क्या है, RBI ने ये जो टेबल बनी आपकी 20% के अकॉर्डिंगली बनी। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, मनी मल्टीप्लायर इक्वल 1/LRR। जो LRR है वो यहाँ पर रिजर्व बैंक से कितना सेट किया था, 20% किया था, तो हमारा जो इक्वल करके जो आया वो क्या आया, 5 times आया, मनी मल्टीप्लायर क्या है 5 times। आप सीधे इसको ऐसे लिख के मत छोड़ देना, पूरा लिखना, जैसे 5 आएगा तो 5 छोड़ के मत लिख के मत छोड़ देना, उसको पूरा लिखना 5 times। क्लियर हुआ आपको ये, तो आज हमने मनी क्रिएशन पढ़ा और उसके अकॉर्डिंगली टेबल समझी।